श्री ग्याल जी, श्री स्टेंजिल जी, डॉक्टर स्कालजेंग जी, मेरे साथ आए हुए हमारे बीजेपी के महाराष्ट्र के फॉर्मर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और अभी हमारे साथ एमएलसी श्रीकांत भारतीय जी, हमारे सभी साथीगण और उपस्थित सभी काउंसिल मेंबर्स और बीजेपी के पदाधिकारी, सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ लद्दाख में आकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों के साथ मुलाकात करने का मुझे अवसर मिला। मैं इससे पहले 2018 में एज अ चीफ मिनिस्टर आया था, यहीं पर एक मोनास्ट्री का शिला रखी गई थी और उस कार्यक्रम में मैं आया था, लेकिन बहुत शॉर्ट विजिट थी। महाबोधि में? हाँ जी, मैं सुबह आया और दोपहर के बाद चला गया था और अनफॉर्चुनेटली उस समय हमारे बीजेपी के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस बार मेरी भी बहुत दिल से इच्छा थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय परिवार है, वी आर अ फैमिली। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ मिलना ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका होता है, और विशेष रूप से लद्दाख जैसे हमारे सीमावर्ती इलाके में जो लोग पूरी ताकत के साथ बीजेपी का परचम लहराते हैं, बीजेपी का झंडा लहराते हैं, उनको मिलने का मौका ये मेरे लिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि कारगिल में 10 तारीख का चुनाव है, इसलिए एमपी साहब और कुछ पदाधिकारी वहां पर बिजी है, लेकिन आप सारे लोग इतनी शॉर्ट नोटिस पर यहां पर आए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसे आप सभी को पता है कि एक वॉर म्यूजियम, त्रिशूल वॉर म्यूजियम जो तैयार हो रहा है, और विशेष रूप से हमारे श्रीकांत भारतीय जी ने पहल ली और आर्मी के और हमारी सरकार के बीच एक दूत के रूप में उन्होंने काम किया, एंड ही ब्रॉट द आर्मी पर्सोनेल टुवर्ड्स अवर गवर्नमेंट, और हमारी सरकार के लिए इससे ज्यादा गौरवपूर्ण और क्या विषय हो सकता था कि एक वॉर म्यूजियम लद्दाख में बने और उसके साथ महाराष्ट्र जुड़े। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू गेट एसोसिएटेड विथ लद्दाख एंड फॉर अ कॉज दैट इज वॉर म्यूजियम विच इज बींग बिल्ड बाय अवर आर्मी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही पवित्र कार्य के लिए हमें लद्दाख के साथ महाराष्ट्र को जोड़ने का मौका मिला है। और जैसा आप लोगों ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लद्दाख को एक यूटी का दर्जा मिला, और उसके बाद जो एक अन्याय पुराने स्टेट में इस इलाके के साथ होता था, ग्याल साहब ने मुझे बताया कि 65% एरिया ये था, लेकिन इसको केवल 3% बजट मिलता था। तब वो सारी चीजें धीरे धीरे मोदी जी ने दूर की है, और आज हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 सालों में
हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका हो, हमारा लद्दाख का इलाका हो, या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, जो हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यहां पर जो काम किया है वो बहुत ही अनुपम इस प्रकार का कार्य है। पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इतना फोकस इन एरियाज के ऊपर लगाया, रिसोर्सेस इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए और साथ में एक बहुत अच्छी डिलीवरी सिस्टम तैयार की, ताकि इन इलाकों के विकास के लिए जो रिसोर्सेस आए वो नीचे तक पहुंचे और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखे। ये प्रयास मोदी जी ने किया और आज मुझे इस बात की खुशी है, जब आप लोग ये मांग करते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ये तेजी के साथ इसका पेनिट्रेशन होना चाहिए, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने कुछ मुद्दे इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से और कुछ मौखिक रूप से हमारे सामने रखे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का मसला हो, चाहे अलग अलग पोस्ट पर हमारे लोगों को नॉमिनेट करने का मुद्दा हो, या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के पास आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं स्वयं ये सारी चीजें रखूंगा, और वी हैव अ वेरी सेंसिटिव लीडरशिप। वो इसका संज्ञान लेकर इसको निश्चित रूप से एक तेजी देंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने यहां पर कही है, विशेष रूप से टूरिज्म की, और ये बात भी सही है कि टूरिज्म में आज जब मैं दिल्ली से यहां पर लेह में आया तो जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, उसमें आधे लोग महाराष्ट्र के थे, 50% ऑफ द पीपल वर फ्रॉम महाराष्ट्र। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं या दिल्ली से लेह जा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा नाता, एक अच्छी रिलेशनशिप आज महाराष्ट्र के टूरिस्ट की हमारे इस इलाके के साथ हुई है, और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि हमारी जो काउंसिल है, अगर वो काउंसिल चाहे तो जो महाराष्ट्र का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं आपका एमओयू करूंगा, ताकि हम जब अलग अलग डेस्टिनेशंस प्रमोट करते हैं उस समय विशेष रूप से लद्दाख को हम प्रमोट कर पाए, और इतना ही नहीं तो आपको अगर एक फैसिलिटेशन डेस्क तैयार करना है तो तैयार करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, ताकि एक प्रकार से ये जो रिश्ता, ये जो रिलेशन बना है, इस रिलेशन को हम और स्ट्रांग कर पाए और ज्यादा टूरिस्ट ये महाराष्ट्र से लद्दाख की ओर आ पाए। तो इसको फॉर्मलाइज करने के लिए निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, और आप भी उस प्रकार की आपकी जो कल्पना है अगर वो हमको भेजेंगे तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को बोल के उसको फॉर्मलाइज करवाऊंगा। एक और चीज आपने बहुत अच्छी कही है कि जो यहां पर बहुत अच्छी चीजें तैयार होती है उनको एक मार्केट के रूप में मुंबई हो, पुणे हो, ऐसी सिटीज में उनको मौका मिलना चाहिए। तो उस मामले में भी दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो जो मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो पुणे की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है,
उनके साथ में भी मैं आपकी हिल काउंसिल का एक टाइप करवा सकता हूं, ताकि वहां पर अलग अलग प्रकार के हाट एक महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए, या जो भी एक सही समय हो उस समय के लिए आपको वहां पर जगह मिले, वहां पर व्यवस्थाएं मिले। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि जो हमारा सेंट्रल प्रमोशन स्कीम है उसमें 15 डेज का एक इवेंट शायद मुंबई में या पुणे में होता है, तो हम लोग आपको ये मदद करेंगे कि जिस समय यह इवेंट होता है उसको अगले और 15 या दिन या एक महीना उसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहते तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग वहां पर करेंगे, ताकि जो आए हुए लोग हैं वो एक लंबे समय तक अपनी चीजों को वहां पर सेल कर पाए। और हमारी सिस्टर ने जो बात यहां पर कही है उसको भी हम लोग निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे सारे देशवासियों के मन में और विशेष रूप से महाराष्ट्र के मन में हमारे लद्दाखी भाई बहनों के बारे में बहुत प्यार है, और आप लोगों के साथ काम करने में हमको बहुत खुशी होगी, और आप लोगों का स्वागत करने में भी हमको बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको जिस प्रकार की भी मदद चाहिए आप ये समझ लीजिए, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में, वो आपकी सरकार है, इट इज योर गवर्नमेंट। इसलिए आपको जो भी मदद इसमें चाहिए वो सारी मदद करते हुए वी विल बी वेरी हैप्पी, हमको बहुत खुशी होगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब जब भी आप पुकारेंगे, जब जब भी आप आवाज देंगे, तो आपकी आवाज को हम कैच करते हुए आपके साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों ने जो समय निकाला, जो आपके व्यूज प्रकट किए, जिस प्रकार से आपने मोदी जी के ताकत को बढ़ाने का काम यहां पर किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से 2024 ये मोदी जी और ज्यादा सीटों के साथ और ताकत के साथ चुनकर आएंगे, और उसमें आप लोग तो रहने वाले हो, तो मेरा विश्वास है कि अगले 5 साल जो मोदी जी के होंगे वो लद्दाख के लिए एक गिफ्ट होगा, और निश्चित रूप से आपकी सारी तमन्नाएं मोदी जी के नेतृत्व में पूरी होगी, इतना ही आप सभी को आश्वस्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।